हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और डे बाय डे लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, ग्रोथ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई टैरो रीडिंग के साथ। और इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन, आपके पार्टनर किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से फील कर रहे हैं, क्या आपकी जुदाई, आपकी दूरी उनके ऊपर कोई असर डाल रही है, क्या उनके अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, उनके अंदर कोई बदलाव आ रहे हैं क्या, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स के साथ कुछ बातें रेजुनेट ना करें। जितना पार्ट आपसे रेजुनेट करता है उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और रीडिंग टाइमलेस है, जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा ये आपसे रेजुनेट करेगी रीडिंग, और जेंडर फ्री है। जानते हैं आप सभी कि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, तो ये मेरी रीडिंग सभी के लिए है, सभी सोल्स के लिए है, जेंडर फ्री रीडिंग है। और आपका जो भी रिश्ता हो, आपका जो भी रिलेशनशिप हो, उस पर ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। बेशक आप हस्बैंड वाइफ हो, जो सेपरेशन में हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट्स हो, आपका जो भी रिलेशनशिप है उस पर ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ। और फ्रेंड्स, रीडिंग को फन की तरह से लीजिएगा। हम यहाँ पर संभावनाएं बताते हैं और आप लोग प्लीज किसी बात को लेकर पैनिक मत होइएगा। गॉड पर ट्रस्ट रखिएगा, फेथ रखिएगा, सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान हो रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू मेरे सभी एंसेस्टर्स को। प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में किस तरह से हैं। प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में किस तरह से हैं, क्या उनको हमारे व्यूअर्स की कमी का एहसास हो रहा है। प्लीज़ गाइड करें। बॉटम ऑफ डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डियर फ्रेंड्स, आप लोग अपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। आपका साइलेंट ट्रीटमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल साबित हो रहा है। देखिए, सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है जजमेंट का, आर्कएंजल गैब्रियल। उनको डिवाइन साइन दिया जा चुका है, उनको अलार्म दिया जा चुका है, उनको अवेकनिंग दी जा चुकी है। उनके ऊपर जो पास्ट में टावर मोमेंट्स गिरे हैं उसके बेस पर उनको अवेकनिंग दी जा रही है, और वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि बैक टू बैक उनकी लाइफ में इतने सारे क्योस, इतने सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। आपका सेपरेशन उनके लिए, उनको एक ऐसा पर्सन बना रहा है जो अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, जो मजबूर हो गया है अपने अंदर झांकने के लिए। आप इस वक्त क्वीन ऑफ डायमंड, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में हो। आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, आपने छोड़ दिया है उनको, उनके हाल पर बहुत हो चुका, उनके पीछे भागना, उनको चेस करना, उनको बार बार अपने प्यार की दुहाई देना, उनको बार बार समझाना, उनको बार बार अपने प्यार की वैल्यू बताना, छोड़ दिया है आपने सब कुछ डिवाइन पर। और अब यही वजह है कि ये पर्सन आपके पीछे दीवाने हो रहे हैं, दिन रात आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन लाइफ में लगी पड़ी हुई है। देखिएगा, लाइफ में वाट लगी पड़ी हुई है उनकी, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम है, वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम है, घर में क्योस है, घर में मनमुटाव है, पारिवारिक जनों के साथ कुछ ना कुछ फैमिली ड्रामे चल रहे हैं लगातार उनके साथ।
यूनिवर्स उनको बैक टू बैक अलार्म दे रही है, बैक टू बैक अवेकनिंग दे रही है, और इस वजह से अब वो आपकी ओर बढ़ने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, और यहाँ पर वो अब निकलना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन का कार्ड है। और फ्रेंड्स, आपके पार्टनर की राशियाँ मैं बता देती हूँ आपको। उनकी लिब्रा हो सकती है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर साइन तो ऑलमोस्ट सभी हैं, सभी राशियाँ हैं, और आपके पर्सन अब रेडी हो रहे हैं। अब ये इस सीमा से निकलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, अपने बंधनों को तोड़कर निकलना चाहते हैं, अपने सीमाओं को तोड़कर ये सोचना चाह रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि अब जो एक्शन मैं आगे लेने जा रहा हूँ, अगर मैं इस तरीके से एक्शन लेता हूँ तो क्या मेरे अगेंस्ट कुछ होगा। एक तरीके से कहते हैं ना कि व्यक्ति को वर्ड नहीं मिल रहा है, मुझे एक वर्ड है, रिस्क। रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो इस टाइम ये रिस्क टेकर बन रहे हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, और अपने दिमाग के जितने भी अंधड़ हैं, जितने भी निगेटिव थॉट्स, ख्याल चल रहे हैं, उनको क्लीन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब मैं देख लूँ, एक्शन लेकर देख लूँ, मैं रिस्क लेकर, इस रिस्क के बाद दो ही काम हो सकते हैं, या तो मेरी लाइफ पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, या फिर मैं जो लाइफ चाहता हूँ वो लाइफ मुझे मिल जाएगी, या तो आर होगा या पार, इस तरह की इनकी थॉट बनी हुई है। ये अब रिस्क लेना चाहते हैं और आर पार की लड़ाई करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये अगर दुनिया के खिलाफ़, समाज के खिलाफ़, परिवार के ख़िलाफ़ जाएंगे तो क्या इनके ऊपर असर पड़ेगा, क्या इनका हश्र होगा। इस टाइम ये इस तरह की थिंकिंग रख रहे हैं। और सन का कार्ड आया है, बेशक इनको, इनके लिए, इनके इस करेजियस पावर के लिए इनको ईश्वर मदद करेंगे, हेल्प करेंगे गॉड। तो आपके बिना अभी सेपरेशन मोड में वो खुद पर वर्क कर रहे हैं, अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं, अपने अंदर की जो कमियां हैं, जो शैडो साइड हैं, जो ईगो साइड है, इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर ईगो भी बहुत था, समटाइम उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग थिंग्स आती थी, आपको मैनिपुलेट करना, आपको डोमिनेट करना उनको बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि वो उनकी एक परवरिश थी। कहते हैं ना कि बचपन से बच्चा जिस फैमिली में, जैसी परवरिश में रहता है वो वैसा ही सीखता है, और हमारे यहाँ तो ये खास परवरिश बच्चों को दी जाती है कि मर्द हमेशा औरत से ऊपर रहता है, या मर्द को प्रायोरिटी दी जाती है, उसको कुछ बातें डिफरेंट सिखाई जाती हैं फीमेल से। तो इनके अंदर भी वही सब ट्रेट्स थे फैमिली के, वही सब इनकी नर्जरिंग थी, जिस तरीके से इनको बड़ा किया गया, जिस तरीके से इनकी परवरिश की गई, जिस तरीके से इनको संस्कार दिए गए थे, वो कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच के रिश्ते में ब्लॉकेजेस बन रहे थे। लेकिन अब कई बार यूनिवर्स की चेतावनी के बाद इन्होंने रिस्क लेने की सोची है, और इन्होंने अपने आप पर वर्क करने की सोची है। ये अपने ईगो को शट डाउन करना चाहते हैं, ये अपनी डोमिनेंट नेचर को शट डाउन करना चाहते हैं, और ये आपकी ओर एक पैशन के साथ आना चाहते हैं, एक पैशनेट एनर्जी है। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से बदल चुके हैं, ये चेंज होकर आपके पास आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट की एनर्जी है, थोड़ी सी स्लो है बट धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये आपके लिए चेंज हो रहे हैं, और आप अपनी जगह पर अडिग हो, पावरफुल, अपनी पावरफुल पोजिशन में हो। आप चेक करते हैं एनर्जी और एकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। द सन, ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स। आपकी रीडिंग में दो सन कार्ड आए हैं, इट मींस कि कुछ बिग हैपनिंग होने वाला है, कुछ बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और मुझे यहाँ पर मैसेज दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पर मैसेज दिख रहा है, और कुछ लोगों के लाइफ में न्यू बॉर्न बेबी दिख रहा है मुझे। जो लोग मैरिड हैं और काफ़ी टाइम से
कंसीव करने की सोच रहे हैं उनके लिए यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी भी है। मुझे नहीं पता ये मैसेज कितने लोगों के लिए है, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पर चाइल्ड बर्थ दिख रहा है। पेशेंस, डिवाइन आपसे कह रही है कि बस आपको पेशेंस रखना है, आपको सब्र करना है और जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। नंबर 1, नंबर 16, तो मे बी आपको नंबर सिंक्रोनिसिटी हो रही हो, आपको 117, 116, 118 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। नंबर 46 चक्र आर्कएंजल मेट्राट्रॉन, रेस्ट एंड रिजोविनेशन, देखिएगा आपके पार्टनर की अंदर से प्यूरिफाइंग एनर्जी चालू है, अंदर से उनको प्यूरिफाइड किया जा रहा है, उनका डीएनए चेंज हो रहा है। और जब ये डीएनए चेंज होता है तो इंसान के अंदर से बहुत सारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं। हर एक पोर्टल पर, जब भी यूनिवर्स पोर्टल ओपन करती है, उस पोर्टल में ह्यूमंस के जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो जाते हैं और ऊपर से एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स सभी लोगों के लिए धरती पर भेजी जाती है। तो इस वक्त आपके पार्टनर खुद को रिजुविनेशन दे रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने अंदर के ट्रॉमा को रिलीज़ कर रहे हैं। नंबर 46 चक्र आर्कएंजल मेट्राट्रॉन, हमारे व्यूअर्स बहुत साइकिक हो सकते हैं, हमारे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मे बी आपको 6th चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है। और कुछ व्यूअर्स का 6th चक्रा अभी इस वक्त ओपन हो रहा होगा, मे बी आपको 3rd आई के बीच में कुछ सेंसेशन फील होता हो, कुछ चीटियां रेंगने जैसा फील होता हो। तो अगर आपका 3rd आई चक्रा ओपन हो रहा है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको आपके पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ मैसेज दिए जा रहे होंगे या यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस दे रही होगी जो आपके आगामी फ्यूचर में, आपके आगामी भविष्य में आपके काम आने वाले हैं। तो ये है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की रीडिंग। चेक कर लेते हैं यहाँ पर आपके लिए इनिशियल्स क्या हैं, क्या आपके लिए इनिशियल्स हैं। आप लोगों के लिए कीवर्ड्स बहुत सारे आए हैं, निकलकर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। सबसे पहला है लॉयल, आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल हैं। नेक्स्ट है वाइज, वो डे बाय डे वाइज हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, खुद पर खुद की नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। यूनिक, आपको बहुत यूनिक समझते हैं, आप यूनिक पार्टनर हो उनके लिए। प्रैक्टिकल, आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हैं, प्रैक्टिकल थॉट्स रखने वाले हैं, उनकी सोच प्रैक्टिकल है। और मे बी आप हमारे व्यूअर्स सम टाइम दिल से काम लेते हैं दिमाग के बजाय, और ये प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं इमीडिएटली। तो आपकी लाइफ में सडन कुछ ना कुछ हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। ट्रस्ट, गॉड पर ट्रस्ट और फेथ बनाए रखिएगा और अपने पार्टनर पर भी ट्रस्ट रखिएगा, सारी चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। अगला है, उनके नाम के इनिशियल्स हैं और यहाँ पर चार्म्स बहुत कम आए हैं निकल कर। एल, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर लॉस एंजल्स से हो सकते हैं, कुछ यूरोप से हो सकते हैं। आपके पार्टनर का इनिशियल पी जी यू एल ओ एस हो सकता है, आर भी हो सकता है। टॉरस आपके पार्टनर की जोडिक साइन हो सकती है या आपकी हो सकती है। लाइफ ट्री, आपके पार्टनर को ये फील होता है कि जब से आप गई हो तब से उनकी लाइफ में जैसे एक हैप्पीनेस होती है, एक फ्रेशनेस होती है, जीने की उमंग होती है, वो ख़त्म हो चुकी है ऐसा उनको लगता है। मून है ये, आपको मून फेसेस के साथ मैनिफेस्टेशन करना चाहिए फ्रेंड्स, मून फेस को देखकर आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। आपको अपने पार्टनर को
उनको इमेजिन कर सकती हैं अपने साथ अपनी लाइफ में। इस तरीके से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी और आप अपनी डिज़ायर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, ये है रीडिंग। आई होप आपको आंसर्स मिले हों, आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको आपके आंसर्स मिले हों फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।